So welcome back to the part 4th of the complete the following hydrocarbons आपके अपने चैनल केमिस्ट्री का सागर में by one and only सागर वरजातिया। तो सब बढ़िया चल रहा है एकदम, तीन पार्ट हो गए, लिखते जा रहे हो ना साथ साथ रिएक्शंस को, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं, क्या समझ में। और रही बात ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस की, मैं फिर से बता दूं ये इसलिए करवाई जा रही है ताकि अगर आपने हाइड्रोकार्बन भूला चूका कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अगर पड़ा हुआ है एट द बैक ऑफ द माइंड आपके में है, तो इन रिएक्शंस के थ्रू उस चीज का रिवीजन हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चंस करने बैठोगे आपके यू निकलेंगे, यू तो बने रहिएगा, है ना। धीरे धीरे हम पार्ट्स निकालते जाएंगे, आप बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस 10-15 मिनट का, आपको पूरा 24 घंटे में सिर्फ 15 मिनट निकालने हैं केमिस्ट्री का सागर के लिए, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी CH3CH2CH2CH2CH3, क्या है ये, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या बोलते हैं, एनहेक्सेन, है ना। अब इसको हमने किसमें डाला है, V2O5 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर। देखो बेटा प्रेशर भी ज्यादा है टेम्परेचर भी ज्यादा है और कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटोक्साइड लिया है। ऐसी कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी किस केस के लिए होती है, एरोमेटाइजेशन, इसको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एल्केन को एरोमेटिक कंपाउंड्स में बदल देता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो आपके कोर्स में है वो है बेंजीन। वैसे तो बहुत एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं लेकिन अपन लोग यहां पे जब एरोमेटाइजेशन पढ़ेंगे तो हम लोग बेसिकली बेंजीन की बात करेंगे। अच्छा बेंजीन कितने कार्बन का बना है, 6 कार्बन का बना हुआ है ना। तो क्या करेंगे, जो भी आपको एल्केन दिया गया होगा पहले और छठे कार्बन से, पहले और छठे कार्बन से H2 मॉलिक्यूल्स का लॉस कर देंगे। तो यानी कि क्या कर रहे हो आप, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटा देना, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन कर रहे हो। तो इतने हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रोजिनेशन बड़े आराम से हो जाएगा। किस तरह से होगा जरा देखना, ये रहा पहला कार्बन ये रहा छठा कार्बन, गौर से देखते रहना, ठीक है ना। ये एक हाइड्रोजन यहां से गया, यहां पर एक फ्री रेडिकल बच गया, यहां से गया यहां पे एक फ्री रेडिकल बन गया, क्योंकि फ्री रेडिकल बनने के लिए आपको वेरी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और वो हम दे रहे हैं 700 केल्विन 600 केल्विन 650 700 या 773 केल्विन की अगर बात करें तो इसमें आराम से फ्री रेडिकल बन जाता है। तो यहां से एक एच निकला, यहां से एक एच निकला, यानी कि बेटा आपने H2 निकाल दिया। अब जब H2 निकाल दिया तो एक फ्री रेडिकल इस एंड पे है, एक फ्री रेडिकल इस एंड पे है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो देखो बेटा एक क्लोज लूप बन रहा है, एक साइक्लिक रिंग बन रही है, वो है अगर हम स्टाइल से बनाएं तो ये बन रही है साइक्लोहेक्सेन। हर के पास दो 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 हाइड्रोजन है, सबके पास देखो यहां पे दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, देख रहे हैं ये दो हाइड्रोजन है, सबके पास दो हाइड्रोजन है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या है कि भैया टेम्परेचर तो कंटिन्यू है, हाई टेम्परेचर तो है ही है, तो यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन कंटिन्यू रहेगा। पहले डिहाइड्रोजिनेशन हुआ तो साइक्लिक प्रोडक्ट बन गया, इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन हो जाना। अब यहां से फिर से H2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक एच इधर से एक एच इधर से, तो बेटा यहां से एक एच हटा यहां से एक एच हटा, एक डॉट इधर आया एक डॉट इधर आया, फिर यहां से एच हटा एक एक एच यहां से हटा, तो इधर भी डॉट आया इधर भी डॉट आया, डॉट मतलब फ्री रेडिकल, इधर से एक एच हटा इधर से एक एच हटा, एक फ्री रेडिकल यहां पे भी आया एक फ्री रेडिकल यहां पे भी आया। अब फ्री रेडिकल आपस में बनकर क्या बना देंगे, बेंजीन। ये देखो ये इसके साथ जुड़ा ये इसके साथ जुड़ा ये इसके साथ जुड़ा, तो देखो कार्बन 6 है हाइड्रोजन 6 है C6H6 और अल्टरनेट में डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, तो इस चीज को क्या कहते हैं, बेंजीन। तो अब आपको समझ में आया कि इस रिएक्शन को एरोमेटाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्केन को जब आपने हाई टेम्परेचर और एक बेहतरीन कैटलिस्ट V2O5 के साथ डाला तो यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन हुआ विच रिजल्ट्स इनटू साइक्लाइजेशन। पहले बना साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोहेक्सेन से फिर हर एक एंड से हाइड्रोजन 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 निकलता रहा, फ्री रेडिकल बनता रहा और एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से मिलकर डबल बॉन्ड बनाता रहा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से आराम से देख लो।
तो ये हो गया आपका बेंजीन, और बेंजीन मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक, ओके। नेक्स्ट, फिर से मैंने इसी का दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे मान लो अगर 6 कार्बन एटम ना हो और उसके बदले 1 2 3 4 5 6 7 सात कार्बन एटम हो, यानी कि ये क्या है, एन हेप्टेन, क्या है ये, एन हेप्टेन, और सेम कंडीशंस में पास करवाया जाए, यानी कि रिएक्शन क्या है, एरोमेटाइजेशन। तो कई बच्चों के दिमाग में आता है तो मतलब इसका ये है कि अब पहले और सातवें कार्बन से हटेगा, नहीं गलत, अभी भी पहले और छठे कार्बन से हटेगा, सात कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग बनाकर बेटा आप कौन सा बेंजीन बनाने वाले हो। हमने कहा ना एरोमेटाइजेशन में बेंजीन की रिक्वायरमेंट है, और बेंजीन कितने का है, 6 कार्बन एटम का है, और अगर बेटा 6 कार्बन एटम का है तो हम पहले कार्बन से निकालेंगे एक हाइड्रोजन और छठे कार्बन से निकालेंगे एक हाइड्रोजन, ठीक है, और अगर 8 का होता तब भी यही करते। तो देखो यहां पे हम कैसे करेंगे, ये रहा 1, तो यहां से एक निकला, ये बन गया डॉट, यहां से एक निकला, ये बन गया डॉट। तो अब ये आपस में जुड़कर एक साइक्लिक रिंग बनाएंगे, कितने कार्बन की बेटा, फिर से 6 कार्बन की। तो सर इसका क्या होगा, जो 6 कार्बन के साथ ये CH3 जुड़ा है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब इस C के पास एक H बचा हुआ है, ये लो भाई एक H, और बाकी सबके पास दो दो H बचे हुए हैं। फिर से कहानी ऊपर जैसी हो जाएगी कि हर पोजीशन से चूंकि हीट आप ज्यादा दे रहे हो, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकलेगा, एक फ्री रेडिकल बचेगा। तो ये देखो, ये यहां से H निकला, यहां पे डॉट, यहां से H निकला, यहां पे डॉट, हर तरफ से बेटा H निकलेगा और आपको एक फ्री रेडिकल दे जाएगा, ये लीजिए। अब ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ा, यानी कि ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है टॉलीन, इसको टॉलीन कहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, फिर से मैं कह रहा हूं, व्हेन एवर एन एल्केन undergoes very high temperature and high pressure in the presence of V2O5 या selenium या Cr2O3 chromium का catalyst, तो ये क्या करेगा, aromatic compound देगा, ठीक है। अब अगर आपके मन में ये question आ रहा है कि अगर 5 carbon का alkane होता तो क्या होता, तो ये reaction possible नहीं है। aromatization तभी possible है जब आप alkane या तो 6 carbon का ले या 6 carbon से ऊपर, क्योंकि भैया बेंजीन के लिए 6 कार्बन चाहिए ना, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है CH3CH2OH, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो जो A है वो बनेगा CH3COONA, दिस इज द A, दिख रहा है ना सबको, ये क्या है, CH3COONA, CH3CH2COONA, तीन कार्बन है, तो CH3CH2COONA। अब इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किया, मतलब इसके एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया, इस चीज को बोलते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बोलते हैं, कोल्बे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करने से क्या होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करने से बेटा ये होता है कि ये जो CO2 है ये हमारा निकल जाता है। अब ये जब निकल जाएगा तो ये जो बचा CH3CH2 बचा, ये अपने ही CH2CH3 के साथ रिएक्ट कर लेगा। बाकी बातें मैकेनिज्म में है, क्योंकि फ्री रेडिकल यहां पे भी बनते हैं, क्या होगा, डबल हो जाएगा, मतलब जितने कार्बन एटम का आपका सॉल्ट है उससे एक कम कार्बन करो और फिर उसका दुगना कर दो, यानी कि जैसे CH3CH2COONA था, CO2 निकला तो बचा CH3CH2, तो जो CH3CH2 है वो दो कार्बन के हैं, यानी कि जो एल्केन बनेगा वो 4 कार्बन का बनेगा। फॉर मैकेनिज्म मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, अभी फिलहाल हम लोग प्रोडक्ट्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो CH3CH2COONA को अगर हम NaOH और CO में डाल दें तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है हमारी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन।
डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, CO2 निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाता है, ठीक है, Na2CO3 निकल जाता है, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये जो बचा है CH3CH2 मिलकर बना देता है CH3CH3। तो डीकार्बोक्सिलेशन में आप क्या सीख रहे हो, डीकार्बोक्सिलेशन में आप ये सीख रहे हो कि हमारा एक कार्बन एटम कम होना निश्चित है क्योंकि CO2 निकल रहा है। तो बेटा ये एक ही सॉल्ट जो बना है ना, ओइक एसिड का जो सोडियम का जो ये सॉल्ट बना है उसका जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वी गेट डबल दी कार्बन एटम्स जैसे वुड्स में मिलता था। और डीकार्बोक्सिलेशन अगर करते हैं सोडा लाइम डाल दें NaOH और CaO तो हमारा एक कार्बन एटम लेस मिलकर एल्केन मिलता है, जैसे कि यहां पे क्या बन रहा है, प्रोप का इथेन बन रहा है, अगर एथ होता तो मीथेन बनता। लास्ट वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना डीकार्बोक्सिलेशन का, उसमें क्या बन रहा था, मीथेन बन रहा था। नहीं देखी फटाफट जाओ पार्ट थ्री में देखो, वो मिसलेनियस है, वो ओवरऑल रिएक्शंस कवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट CH3CH2CH3 प्रोपेन Br2HNew, तो दिस इज दी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो जब हेलोजिनेशन करेंगे तो चूंकि आप HNew के प्रेजेंस में कर रहे हो तो फिर से आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। फ्री रेडिकल कब कब मिलता है, जब आप होमोलिटिक फिजन करते हो H, इलेक्ट्रिसिटी देते हो E, लाइट देते हो L, परोक्साइड के प्रेजेंस में करते हो P, R या रेडिकल या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के मदद में करते हो, यानी कि हेल्पर HELPR। हीट बहुत ज्यादा हीट हो या होमोलिटिक फिजन हो, लाइट HNew, सनलाइट यूवी लाइट ये अगर लिखा हो, इलेक्ट्रिसिटी HEL है ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं पे हो तो HEL और P मतलब क्या हो गया, परोक्साइड जैसे H2O2 कहीं पे हो, बेंजोइल परोक्साइड हो, जैसे एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन में बेंजोइल परोक्साइड होता है वहां पे भी आपको फ्री रेडिकल मिलता है। R मतलब रेडिकल या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी आपको मिलता है। तो जैसे आपने देखा तो यहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और हेलोजिनेशन होगा, और हेलोजिनेशन जब होगा तो देखो बच्चों ये मैंने रिएक्शन क्यों लिखी, यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, यहां पे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, या तो ब्रोमीन यहां पे अटैक कर सकता है मोनोब्रोमिनेशन के तहत चलते हुए, या तो Br2 इस सेकेंड डिग्री वाले पे भी रिएक्ट कर सकता है, यानी कि CH3CH CH3 और यहां पर Br। तो देखो ये बन रहा है आपका मेजर प्रोडक्ट, पूछो क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर तुम Br यहां से हटाओगे तो यहां पे फ्री रेडिकल बचेगा और ये कौन सा है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, यहां से Br अगर तुम हटा देते हो, सोच लो हट गया तो यहां पे बचेगा फ्री रेडिकल और ये क्या है 2 डिग्री कैसे देखते हैं सी के ऊपर जो डॉट है वो फ्री रेडिकल है और ये जो C फ्री रेडिकल है, एक C और एक C, दो C से जुड़ा है, दो मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है, दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है 2 डिग्री, ये सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। तो जो स्टेबिलिटी होती है फ्री रेडिकल की वो क्या होती है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट बनता है 2-bromopropane इज द मेजर प्रोडक्ट, वेयर एज 1-bromopropane इज द माइनर प्रोडक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आता है, अगर हम इथेन ले लें और इथेन में I2HNew कर दें, भाई जैसे Br2HNew किया था तो देखा जाए तो मैंने हेलोजिनेशन आपको सारी रिएक्शंस करवा दी, लास्ट पार्ट में Cl2HNew था, इस पार्ट में Br2HNew, I2HNew, F2HNew सब हो गया है ना, तो धीरे धीरे सब कवर हो जाएगी, सारी रिएक्शंस कवर हो जाएंगी, टेंशन ना लेना। तो CH3CH3 I2HNew के साथ जब रिएक्ट करेगा तो यह बनाएगा CH3CH2I प्लस HI। बट इसमें एक दिक्कत है कि ये वाली जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से रिवर्सिबिलिटी का क्या लेना देना है जरा समझो। HI में I की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, जबकि इसके रिएक्टेंट में जो I की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है तो HI क्या सोचेगा, सिंस इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो ये सोचेगा मैं I -1 में क्यों रहूं,
मैं आई एज अ जीरो में रहता हूं, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन दिखलाते हैं. ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो एच आई आई टू में बदलने की कोशिश करेगा. वो कैसे पॉसिबल है? जब एच आई सी एच थ्री सी एच टू आई के साथ वापस मिल जाए तो ये हमको रिएक्शन रिवर्स कर देगा, यानी कि सी एच थ्री प्लस आई टू फिर से दे देगा. और एच आई सारी हेलोजन एसिड्स में, यानी कि एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपका जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो आसानी से टूट जाएगा एच और आई के बीच का बॉन्ड. तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी एंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल टेंड्स टू रिवर्स द रिएक्शन. तो ये खास बात है आयोडिनेशन ऑफ एल्केन्स को लेकर, इसलिए मैंने आपको ये रिएक्शन बताई है. साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रहे तो आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे. वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एच आई ओ थ्री हो सकता है, एच एन ओ थ्री हो सकता है, कुछ भी आप ले लो. ये लेने पर वो एच आई को आई टू में कन्वर्ट कर देगा, तो रिएक्शन हमेशा आगे भागती जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटियर प्रिंसिपल. और अगर ये बात आपको बाउंस मार रही है तो इग्नोर मार देना. अपन लोग यहां पर सिर्फ प्रोडक्ट कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है इस पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. बाकी सब डिटेल में बातें नेक्स्ट वीडियोज में कर लेंगे. नेक्स्ट CH3CH3F2HNew. अब अगर हम फ्लोरिनेशन कर रहे हैं तो भैया याद रखना, नॉट पॉसिबल. इट्स हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो ये बहुत ही वॉयलेंट रिएक्शन होती है, यहां पे फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन नहीं हो सकता. आई होप आपको पार्ट 4 क्लियर होगा. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 5 में.